नमस्कार, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए हिटैची की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। और ये जो वैकेंसी है लीगल काउंसिल की वैकेंसी है जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकल के आई है। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, कैसे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है और आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कोई एग्जामिनेशन चार्जेज नहीं देनी है और ना ही आपको यहाँ पे आपको कोई एग्जाम देनी है। आपकी जो सिलेक्शन यहाँ पे होगी वो इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली है। तो आइए बात करते हैं ये सारी जानकारी के बारे में। इस वीडियो में आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं या एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी मिस न हो। आपको बता दें कि इस चैनल पे हम नए नए लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते रहते हैं और अभी हाल ही में हमने बहुत सारी ऐसे नए नए लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कवर किया है जिसके लिए फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। जिनमें से एक है IBPS SO की वैकेंसी, जो जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहें तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में हिटैची की तरफ से निकल के आई लीगल काउंसिल के जॉब पोस्ट के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं हम जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के करियर वाले सेक्शन में हैं और यहाँ पे लीगल काउंसिल की वैकेंसी निकल के आई है और इसकी जो लोकेशन रहने वाली है बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में रहने वाली है। इसकी जॉब आईडी आप यहाँ से देख सकते हैं और इस जॉब पोस्ट को जो है 24 जुलाई 2024 को पोस्ट किया गया है। जॉब कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं लीगल कंप्लायंस एंड ऑडिट है और यहाँ पे एक्सपीरियंस लॉयर के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि फुल टाइम लीगल जॉब पोस्ट है। तो ये जो है लीगल काउंसिल की यहाँ पे ओवरव्यू है। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने साल के एक्सपीरियंस मांगे गए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे एडवाइज और सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी हिटैची एनर्जी कंपनी जो है उसको, और यहाँ पे इसकी जितनी भी लीगल मैटर्स है ऑर्गेनाइजेशन की उन सबको आपको देखनी होगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और एंटी ट्रस्ट लॉ, इससे रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर्स है इन सबको आपको जो यहाँ पे हैंडल करनी होगी। अब यहाँ पे क्या आपके बैकग्राउंड यानी कि क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, अगर उसकी बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए वो भी लीडिंग यूनिवर्सिटी से। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास कम से कम यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ पे मोर देन 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन लीगल प्रैक्टिस एज अ लीगल काउंसिल यानी कि 6 साल से ज़्यादा का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लीगल प्रैक्टिस से लीगल काउंसिल के रूप में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास जो है कमर्शियल लॉ और कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड 80 नॉलेज होने चाहिए, उससे रिलेटेड उनके पास लिटिगेशन किए हुए होने चाहिए। साथ ही जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश की जो प्रोफिशियंसी है अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मांगे गए। अगर इसकी ओवरव्यू देखें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश आपकी प्रोफिशियंसी होनी चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ही अप्लाई नाउ का एक बटन देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करनी है और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करनी है। देन उसके बाद जो अकाउंट क्रिएट करेंगे उस ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और अपना रिज्यूम अपलोड करके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो आपकी सिलेक्शन जो है यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पे होने वाली है और सैलरी भी आपको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छी सैलरी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए लीगल जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।